अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने मंगलवार की शाम कलेक्ट्रेट परिसर स्थित तहसील सदर कार्यालय के समक्ष मशाल जुलूस निकाला और हरिओम नगर तिराहा अम्बेडकर चौक होते हुए शास्त्री चौक पर पहुंचे। जुलूस के संबंध में लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष दिनेश कुमार पंकज ने बताया कि यह आंदोलन का प्रथम चरण है। द्वितीय चरण में हम 12 फरवरी को मोटरसाइकिल जुलूस निकालेंगे और 19 फरवरी को बुद्धि शुद्धि यज्ञ करेंगे। उसके बाद भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सदर तहसील अध्यक्ष दिनेश कुमार पंकज ने कहा, अपनी मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अपनी मांग को दिनेश कुमार पंकज, तहसील अध्यक्ष, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर। 16 जुलाई को कार्यवृत्ति पर हस्ताक्षर हुआ था, माननीय मुख्य सचिव द्वारा कार्यवृत्ति पर हस्ताक्षर किए गए थे। उस दौरान हमारा एक समझौता हुआ था कि हम आपकी सारी मांगें मान लेंगे, लेकिन विगत 8 महीना हो गया, सरकार ने हमारी कोई मांग नहीं मानी, इसलिए विवश होकर के हमको आंदोलन होना पड़ रहा है। यह आंदोलन अभी तो हमारा आज प्रथम चरण में है, द्वितीय चरण में हम 12 फरवरी को मोटरसाइकिल जुलूस निकालेंगे और 19 फरवरी को हम बुद्धि शुद्धि योग करेंगे। इसके बाद भी सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करने को हम बाध्य हो जाएंगे।